दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी सरकार सवालों के घेरे में घिर गई। सूत्रों की माने तो सीएजी रिपोर्ट में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले का ठीकरा एलजी के सिर फोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दावा किया है कि सीएजी द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड से 150 करोड़ रुपए प्रति माह का राशन एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। साथ ही बताया कि फरवरी में 4 लाख फर्जी कार्ड पकड़े गए हैं। वहीं सीएम ने सीएजी रिपोर्ट के बहाने एलजी पर भी अपने ट्वीट से जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पूरा राशन सिस्टम माफियाओं के जद में है जिन्हें नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के अर्थशास्त्र और 10वीं की गणित की परीक्षाओं के रद्द करने और उन्हें फिर से कराने के मामले में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई को अधिकार है इस मामले को देखने का। मामले की जांच चल रही है।